कंज्यूमर टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो पास हुआ था उसके विषय में बात करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही बढ़िया भारत सरकार ने बनाया है। इसके लिए हम डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत ही आभारी हैं। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जितना भी हम ऑनलाइन परचेजेस करते हैं उसके लिए कस्टमर्स को एक प्रोटेक्शन मिली है। साथ में जितना भी गलत एडवर्टाइजमेंट के द्वारा सामान बेचा जा रहा था जिसको हम मिसलीडिंग एड्स बोलते हैं उसके ऊपर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। लेकिन मेरे विचार से जो हम कंज्यूमर फॉर्म्स में या कंज्यूमर कमीशंस में या डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स के जो इन्होंने लिमिट्स बढ़ाई हैं उससे शायद उपभोक्ताओं को रेजोल्यूशन मिलने में देरी होगी। पहले जो लिमिट्स थी वो बहुत कम थी। अभी हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 करोड़ तक के केसेस को ले जा सकते हैं हमारे कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स कमीशंस के ऊपर, जिसको हम पहले डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स कहते थे। बहुत पहले ही बहुत ज़्यादा पेंडेंसी थी।